आज की इस वीडियो में हम लेसो टूल और इसके सब टूल्स और क्विक सिलेक्शन टूल और इसके सब टूल्स के बारे में सीखेंगे। इट विल बी फन, सो लेट्स जंप इन फोटोशॉप। वेलकम बैक एवरीवन, मेरा नाम अदनान चौधरी है और आज हम फोटोशॉप का बेसिक ट्यूटोरियल का पार्ट टू पढ़ेंगे और आज मैं आपको समझाऊंगा लेसो टूल्स और क्विक सिलेक्शन टूल्स के बारे में। तो इससे पहले हमने मूव टूल और ये मार्केट टूल्स के बारे में पढ़ा था जिन्हें हम कीबोर्ड से एम दबाकर हासिल कर सकते हैं, और इसी तरह अब हम पढ़ेंगे लेसो टूल के बारे में, इसे हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं विदाउट टचिंग माउस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से एल दबाएंगे तो हम लेसो टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो इस टूल्स की तीन किस्में हैं या टाइप्स कह सकते हैं हम। तो इनमें से एक तो है वो है लेसो टूल, दूसरी है पॉलीगॉन लेसो टूल और तीसरी है मैग्नेटिक लेसो टूल। सबसे पहले लेसो टूल, ये एक रैंडम सिलेक्शन टूल है, आप इसकी सिलेक्शन रैंडमली कर सकते हैं। इसे मोस्टली इसलिए यूज़ किया जाता है कि हमें जिसमें सिलेक्शन की एकदम ऑब्वियस सिलेक्शन ना चाहिए हो, जिसे हम कहते हैं रैंडमली, जिसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि ये बिल्कुल एक एग्जैक्ट सिलेक्शन हो, तो उसके लिए इस टूल को हम यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका ये है, या फ़र्ज़ करें हमने इसको इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं सोच चाहता हूँ कि इस पोर्शन को अलग कर लूँ मैं। हम क्लिक करेंगे, क्लिक को दबाए रखना है और इसको घुमाना है इसके इर्द गिर्द, या जो चीज़ हमने सेलेक्ट करनी है उसके इर्द गिर्द हम इसको घुमाएंगे। रैंडम सिलेक्शन, इसे कहते हैं हम रैंडम सिलेक्शन। तो हम जहाँ पर स्टार्ट किया था वहीं पर लाकर इसको हम क्लिक को छोड़ देंगे और ये उसकी एक सिलेक्शन बना देगा। तो ये काम है इस रैंडम सिलेक्शन टूल का, जिसे हम कह सकते हैं लेसो टूल, और इसकी वर्किंग आपको समझ आ गई होगी। इसे डिसलेक्ट करने के लिए हम प्रेस कंट्रोल और डी दबाएंगे, इन दोनों की इसको एक साथ दबाएंगे तो ये इसको डिसलेक्ट कर देगा। अब हम पढ़ेंगे अगली टूल के बारे में जो है पॉलीगॉन लेसो टूल। ये है फुली कस्टमाइज टूल, मतलब हम इसे जहाँ से चाहें उस तरफ से मोड़ सकते हैं, जिस तरह की सिलेक्शन चाहे उस तरह की सिलेक्शन कर सकते हैं इसके ज़रिए, गोल या ट्राइंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागोनल, डिफरेंट किस्म के हम इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई सिलेक्शन करने में गलती कर दी है तो हम बैक स्पेस दबाकर उस सिलेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं और दोबारा से एक नई सिलेक्शन क्लिक करके बना सकते हैं। इसमें हमें क्लिक को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ एक क्लिक करना है। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम क्लिक करेंगे ये उसकी एक सिलेक्शन बना देगा, क्लिक छोड़ देना तब तक। और ये देखिए, अब आप चाहते हैं कि मैं इसको यहाँ से मोड़ूँ तो हम क्लिक करेंगे तो ये उसको वहाँ से मोड़ देगा। फिर मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ से वापस दोबारा मोड़ूँ तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से मोड़ देगा। और फिर हम वापस जब इसको वापस उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर आएंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा, जिसका मतलब यह है कि यह सिलेक्शन का जो सर्कट या जिसे हम कहते हैं ये सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है। तो हम इसे क्लिक कर देंगे तो ये उसकी एक सिलेक्शन कंप्लीट बना देगा। इसकी एग्जांपल आपको मैं करवाता हूँ अभी, कि हम चाहते हैं कि हम इस पत्ते को जो है या इस लीफ को जो है वो हम सेलेक्ट करें। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे, फिर दोबारा से जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह जहाँ पर भी थोड़ा सा राउंड आएगा आप यहाँ पे क्लिक कर लेना ताकि हम उसको वहाँ से राउंड कर सकें। क्लिक करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, जहाँ पर ये पत्ता ऊपर को हो रहा है तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर को सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह हम क्लिक करेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर क्लिक करेंगे और फिर आगे जाएंगे, क्लिक करेंगे, इसी तरह करते जाएंगे आगे तक। लेकिन सपोज़ अगर आपने यहाँ पर गलती कर ली है, ऐसे करके गलती कर ली है और आप चाहते हैं कि गलती ठीक हो जाए, तो बैक स्पेस दबाएं, फिर से बैक स्पेस दबाएं, अभी तक आपकी गलती ठीक नहीं हुई तो फिर से बैक स्पेस दबाएं, अभी भी एक रहती है सिलेक्शन, तो हम फिर से बैक स्पेस दबाएंगे और फिर से हम क्या करेंगे, एक करेक्ट सिलेक्शन करने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए आप, ये सबसे बेहतरीन टूल है जब भी हम किसी चीज़ को कट करना चाहते हैं उसके बैकग्राउंड से। मैं वो पत्ता कट करके दिखाता हूँ एक, और इसी तरह क्लिक करेंगे और छोड़ते जाएंगे। इसी तरह इसका एक फाइनल साइड आ गई।
जी तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट आएगा आपने उसके पास लेके जाना है और ये ऑटोमेटिकली एक सर्कल बन जाएगा, जिसका मतलब है कि आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है। और आप इसको क्लिक करेंगे तो ये उसकी एक सिलेक्शन बना देगा। अब इसको हम पत्ते को कट कैसे करें, आप देखें कट नहीं हो रहा, कंट्रोल आल्ट सी दबाएँ, जेड या जी, तो इसको वापस अंडू कर देगा उस स्टेप को। अब आप सेलेक्ट करें ये मूव टूल, ठीक है। अच्छा, अब आप जैसे ही इसको लेकर आएंगे सेलेक्ट किए हुए एरिया के दरमियान में, ये देखिए एक उसके ऊपर एक सीज़र सी बन जाएगी, जिसे हम कहते हैं कैंची सी बन जाएगी, जिसका मतलब है कि इसे कट करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और इसको अलहदा कर लेंगे। ये लीजिए, ये हमारा पत्ता अलहदा हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी इस टूल की वर्किंग, पॉलीगॉन लैसो टूल की। और अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक लैसो टूल। अच्छा, मैग्नेटिक लैसो टूल जो है ये काफ़ी हद तक ऑटोमेटिक है, मतलब ये खुद ब खुद ही सिलेक्शन करती जाएगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, यूज़ बिल्कुल सेम है, क्लिक करना है सिर्फ एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता जाएगा, लेकिन आपने उस एज से गुजारना है जहाँ से आप इसको कट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसा कि ये देखिए आप। और आपने उस चीज़ के इर्द गिर्द घुमाना है आहिस्ता आहिस्ता, सो दैट ये आराम से अपने सिलेक्शन बना सके। ये देखिए आप, ये खुद ब खुद ही सेलेक्ट कर रहा है, कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ये ऑटोमेटिकली पॉइंट बना रहा है अपने, ठीक है। अभी आप इसके अंदर सपोज आपसे गलती हो गई है ये वाली, तो क्या करेंगे आप, वही काम, बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस, और जल्दी से नीचे ले आएँ। अभी भी गलती ठीक नहीं हुई है, तो बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस, इसी तरह स्टेप को अंडू कर देगा। और फिर से आप इधर क्लिक करेंगे और सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करना है, और उसके बाद ये खुद ब खुद पॉइंट बनाएगा। आपका काम है सिर्फ आपने उसके इर्द गिर्द घुमाना है, उस एज के इर्द गिर्द या उस कॉर्नर के इर्द गिर्द जहाँ से आप उसको कट करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं उसको राउंड कर रहा हूँ, कॉर्नर पे आना है और एक पॉइंट बनाना है, और बस बाकी काम उसका खुद का है, ये खुद ही सिलेक्शन बनाएगा। ये भी काफ़ी हद तक अच्छी टूल है, लेकिन ये हर जगह यूज़ नहीं होती, ये हार्ड कलर पर यूज़ होती है, जैसा कि अब ये पत्ता फुल हार्ड और पीछे बैकग्राउंड जो है वो वाइट है। और जैसे ही यहाँ पे दो कलर शुरू हुए हैं आपने क्लिक करना है, और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से बोल सकते हैं। लाजमी नहीं है कि अगर आप क्लिक करना ही नहीं है, कहीं पर यूँ भी होता है समटाइम के सेलेक्ट नहीं कर रहा होता, पॉइंट को नहीं बना रहा होता, तो आप उसको क्लिक करके पॉइंट खुद ब खुद बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से भी। तो इसने काफ़ी हद तक सेटिंग कर ली है, अभी हम इसको नीचे लेकर जाएंगे तो इसने फिर से कुछ ना कुछ एरर करना है। एक मिनट, तो ये देखिए इसने काफ़ी गलती कर लिया, तो हम फिर से बैक स्पेस दबाकर उसकी गलती को ठीक करेंगे, और एक बार फिर से, और जहाँ से हमने मुड़ना है इसको वहाँ पे क्लिक करवा लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से मुड़ना है, यहाँ पे देखिए सिलेक्शन नहीं बना रहा, आपने क्लिक करना है और ये सिलेक्शन बना देगा। और हमने पत्ता कंप्लीट सेलेक्ट कर लिया है, आप क्लिक करेंगे और इसको जैसे ही आप करीब लाएँगे ये उसकी सिलेक्शन खुद ही कर लेगा, ठीक है। तो ये पत्ता अब सेलेक्ट हो गया है, इसे कैसे कट करेंगे, वही चीज़, मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसको क्लिक करके साइड पे करेंगे तो ये अलहदा कर देगा। ये दोनों अलहदा हो गए हमारे, हमारा ये काम कंप्लीट हुआ है। आपको आई थिंक इसकी समझ आ गई होगी मैग्नेटिक लैसो टूल की। अब हम यूज़ करेंगे अपनी क्विक सिलेक्शन टूल, क्या होती है, कंट्रोल। अब ये सिलेक्शन तो हमने कर लिया, इसको मूव भी कर लिया, अभी तक सिलेक्टेड ही है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये उसको डीसेलेक्ट कर लेगा। या इसका एक और तरीका ये है कि आप सेलेक्ट पे जाएं और इसे डीसेलेक्ट, या सामने इसके शॉर्ट की दी हुई है कंट्रोल डी, ठीक है, तो ये उसको डीसेलेक्ट कर देगा। तो आई होप आपको इन तीन टूल्स की तो समझ आ गई होगी। ये रैंडम सिलेक्शन टूल है लैसो टूल, पॉलीगॉन टूल जो है ये है कस्टमाइज टूल, मतलब इसे आप फुली क्लिक करके आपने इसका काम करना है। और जो मैग्नेटिक लैसो टूल है ये ऑटोमेटिक टूल है, इसमें सिर्फ आपने क्लिक देना और बाकी ये एजेस खुद ब खुद सेलेक्ट करता जाएगा। आपका काम है सिर्फ उस एजेस के गिर्द उसको राउंड करना है, उसको घुमाना, ठीक है। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एल, और जब आप इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा इसको इस तरह करेंगे या इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको टूल्स बाकी में नज़र आ जाएंगी। अब हम समझने लगे हैं क्विक सिलेक्शन टूल, ये मेरी फेवरेट टूल है। और इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि ये करती क्या है, बेसिकली करती ये है कि जैसे अब ये वाइट बैकग्राउंड है और ये येलो सा कलर है, तो हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, आपने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है। सम टाइम तो ये खुद ब खुद सारा सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन कभी कभी ये इतना सारा सेलेक्ट करेगा जितनी इसको समझ आ रही हो। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट कर लेगा,
और फिर से दोबारा क्लिक करेंगे तो इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर देगा खुद ब खुद ही। तो यह क्विक सिलेक्शन टूल का मतलब यह कि फ़ौरन उसकी सिलेक्शन कर देगा। अब इसमें कई गलतियाँ आएंगी, जैसा कि अब इसने यहाँ पर यह वाइट कलर का एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब आपने इसकी सिलेक्शन को कैंसिल करना है, ये आप चाहते हैं कि ये एरिया ना सिलेक्ट हो, तो आप क्या करेंगे, आर्ट दबाएंगे, आर्ट और क्लिक करेंगे, ये उसको सिलेक्शन को थोड़ा सा कम कर देगा। ठीक है, तो ये काम है क्विक सिलेक्शन टूल का। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, थोड़ी सी गलती इसने की है। आर्ट दबाएँ, इसके ऊपर एक माइनस बन जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये एरिया सेलेक्ट नहीं करना। तो ये देखिए, क्लिक करेंगे तो ये इस एरिया को सेलेक्ट करना छोड़ देगा। मैं आपको बताना भूल गया कि हम ये जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं ये है फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन, फोटोशॉप 2015.5। और इसका डाउनलोडिंग लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं 30 डेज़ के ट्रायल पे। बाकी आप इसे क्रैक श्रैक तो कर ही सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आई होप ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी क्विक सिलेक्शन टूल की। अब हम इसे भी कट करना चाहते हैं, वही चीज़, जब भी किसी चीज़ को बैकग्राउंड से कट करना है ना आपने, तो आपने मूव टूल्स यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये देखिए क्लिक करेंगे और ये उसे अलहदा कर देगा। ठीक हो गया, कंट्रोल आल्ट जी। अब मैंने अगर इसको यहाँ पर रख दिया, कंट्रोल आल्ट और जेड दबाएंगे तो ये उसको वापस वहीं पे ले आएगा जहाँ पे आपने इसको उठाया था। कंट्रोल डी दबाएंगे तो उसको डिसलेक्ट कर देगा। तो आई होप आपको ये क्विक सिलेक्शन टूल की समझ आ गई होगी। अब हम समझेंगे मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल ऑटोमेटिक है तकरीबन। क्या करती है भला, ये कुछ सेम कलर्स को खुद ब खुद सेलेक्ट कर देती है। जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं इसको सेलेक्ट करूँ, ये क्लिक करेगा और उस एरिया को सेलेक्ट कर देगा। इसी तरह इस एरिया को सेलेक्ट कर देगा, इस एरिया को सेलेक्ट कर देगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये हर दफ़ा डिफरेंट सेलेक्शन कर रहा है। ठीक है, मसलन मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसने इस एरिया को छोड़ दिया और सिर्फ इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया है। तो अब आप चाहते हैं कि ये सारे एरिया सेलेक्ट हो, मैं बाद जब भी क्लिक करूँ तो वो एक चीज़ उसके अंदर ऐड हो जाए, तो आप शिफ्ट दबाएंगे, इसके ऊपर एक प्लस का निशान बन जाएगा, देख रहे हैं आप, शिफ्ट दबाने से क्लिक करेंगे तो उसमें अब एडिंग शुरू कर देगा। ठीक है, अब आप क्लिक करते जाएं और ये उस एरिया को सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, और अभी देखिए माइनस दबाएंगे तो ये उस एरिया को माइनस कर देगा उसमें से, या हम कह सकते हैं कि उसको उसको सेलेक्ट नहीं करेगा। तो अब हम चाहते हैं कि हम इसको जैसे सेलेक्ट किया हुआ इसी तरह हम इसको कट कर लें, तो वैसे ही मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको हम क्लिक करेंगे और ये उसको अलहदा कर देगा। ठीक है, तो कंट्रोल आल्ट और जेड दबाएंगे तो वापस उसी जगह पर ले आएगा। प्रेस कंट्रोल डी दबाएं, डी सेलेक्ट कर देगा। अब हम चाहते हैं कि हम इसका बैकग्राउंड चेंज करें, जो कि आपका फेवरेट पार्ट है, क्योंकि जैसे ही आप ये ट्यूटोरियल देखेंगे मुझे पता है आपने अपनी चीज़ों को या अपने पिक्स को जो है वो बैकग्राउंड से रिमूव करेंगे या बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है, सूटेबल टूल्स कौन सी हैं हमारे पास। अब आप सोचेंगे, एक तो है जी पॉलीगॉन टूल और एक है मैग्नेटिक लसो टूल और एक है क्विक सिलेक्शन टूल। तो हम क्विक सिलेक्शन टूल करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो हम लेयर की कॉपी बनाएंगे और क्लिक करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेगा पूरे एरिया को। फिर इस पत्ते पे क्लिक करेंगे तो पत्ते को सेलेक्ट कर लेगा। इसी तरह इस पत्ते को क्लिक करेंगे तो इस पत्ते को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये वाइट बैकग्राउंड भी साथ में सेलेक्ट हो गया है। इसको डिसलेक्ट करने का तरीका ये है कि इसका साइज़ छोटा करें। साइज़ छोटा करने का जो है वो शॉर्ट की है, वो है ब्रैकेट्स। ठीक है, वैसे तो आप इसका साइज़ छोटा यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखिए साइज़, लेकिन ब्रैकेट्स जो है वो पी के साथ वाली जो ब्रैकेट है। तो हम चाहते हैं कि इसकी जो सिलेक्शन हुई है, ये वाइट जो बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया है, इसको हम सेलेक्ट ना करें। तो आप क्या करेंगे, आर्ट दबाएंगे, माइनस बन गया और साइज़ छोटा कर लिया हमने इसका, तो ये उसको अनसेलेक्ट कर देगा, सॉरी। और अब हम क्या करेंगे, इसी तरह हम ये जो टूल है इसका साइज़ और छोटा कर लेंगे। एक ब्रेसिस के जरिए हम छोटा और बड़ा साइज़ कर रहे हैं, और आर्ट दबाएँ, फिर से माइनस बन जाएगा, ये देखिए, फिर से इसका साइज़ छोटा करेंगे मज़ीद, और इसी तरह हम इसको भी अनसेलेक्ट कर देंगे सो दैट ये हमारी सिलेक्शन में इंक्लूड ना हो। ठीक है, अब आप देखिए, अब सिर्फ हमारा सिलेक्टेड एरिया इसमें आ रहा है। और अब ये देखिए आप, यहाँ से भी सेम हम काम करेंगे, साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि आपको थोड़ा सा जल्दी इसको सेलेक्ट करने में देर ना लगे। वेरी गुड, ये लीजिए, ये आपकी सिलेक्शन हो गई है इस टाइम।
अब बैकग्राउंड चेंज करना है, फिर से मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, इसको उठाएं, अलहदा कर लें। या एक और तरीकाकार ये है कि आपने सिलेक्शन कर ली है, आप इधर क्लिक करें, आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल और जे, दोनों को एक साथ दबाएंगे तो उसकी एक कॉपी बना देगा कट करके, ठीक है। अब आप इसे किसी भी बैकग्राउंड पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम आप देखते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा या हमने आज क्या सीखा। हमने आज सीखा है लसो टूल्स और क्विक सिलेक्शन टूल्स, तो इसकी वर्किंग भी आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, या फेसबुक पेज पर आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई दे सकूँ। और मिलते हैं अगली एक और नई बेसिक ट्यूटोरियल के साथ। और हमारे चैनल पर डिफरेंट किस्म के एडवांस ट्यूटोरियल पड़े हैं, आप उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, आपको काफ़ी हद तक टूल्स की समझ आएगी। और एक चीज़ मैं जो कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप प्रैक्टिस करें, इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी। तो कोशिश करें, प्रैक्टिस करें और थोड़ा सा टाइम दें फोटोशॉप को, और इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिन्हें शौक है फ़ोटोशॉप सीखने का, आई होप उनको भी समझ आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक अ लॉट्स ऑफ केयर एंड कीप लर्निंग।